ऐसी क्या बात हो गई थी कि नाइक के $1 बिलियन लोगों को कुछ मैगी के पैकेट जितने दाम में बनाना पड़ा था। आखिर कैसे BMW का इतना मस्त लोगो बस ऐसे ही झोपड़ियों से इंस्पायर होकर बनाया गया था, और स्नैपचैट का ये लोगो कहाँ से उठाया गया है ये देखकर आपको अलग ही शौक मिलेगा। गाइस वीडियो बहुत ही मस्त है तो एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 3, नाइकी आज तो बहुत बड़ा ब्रांड है। लोग आजकल इनके कैजुअल चीजें भी फ्लेक्स करने के लिए पहनते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं ना कि नाइकी का पूरा लोगो दिखना चाहिए। और नाइकी के जॉर्डन्स के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसकी वजह से आज नाइकी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। लेकिन जैसा आप नाइकी के लोगों को देखते हो, नाइकी वैसा नहीं था, और ना नाइकी का रियल नेम नाइकी था, बल्कि वो कुछ और था। 1964 में नाइकी को लॉन्च किया गया था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से, जिसका लोगो कुछ ऐसा दिखता था। और उसके बाद हमें नाइकी का आइकॉनिक स्विच वाला लोगो 1971 में देखने मिलता है, जिसे कैरोलिन डेविडसन ने बनाया था। ये एक यूनिवर्सिटी में ग्राफिक डिजाइनर के स्टूडेंट थे, तभी नाइकी के को-फाउंडर ने इनसे अपनी कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए कहा था। डेविडसन को नाइकी के लोगो की इंस्पिरेशन एक ग्रीक गोडेस नाइकी से मिली थी, जो अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। डेविडसन ने गोडेस के विंग से भी इंस्पिरेशन ली, जिसकी वजह से डेविडसन के दिमाग में ये राइट जैसे निशान का आइडिया आया। इसी तरह से कैरोलिन को 17.5 घंटे लगे नाइकी का लोगो डिजाइन करने में। स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसा दिखता था, जिसके लिए उन्हें सिर्फ $35 दिए गए थे। इवेंचुअली लोगो फाइनल होने के बाद नाइकी के फाउंडर लोगो से इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं थे, लेकिन उन्हें लोगो में कुछ खास बात तो लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इसी लोगो को रहने दिया, जिसके बाद आज इस लोगो को सब जानते हैं। नंबर 2, स्नैपचैट को तो आप सब जानते होंगे। इसके लोगो की कीमत 16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हो स्नैपचैट के को-फाउंडर को ही स्नैपचैट से बाहर क्यों फेंक दिया गया था, और आखिर स्नैपचैट के इस भूतिया लोगो को कहां से लाया गया था? पहले इसे पिकाबू के नाम से जाना जाता था, जिसके कुछ टाइम बाद ही इस स्नैपचैट को अपना ओरिजिनल नाम मिल गया था। स्नैपचैट का आइडिया सिर्फ एक शख्स का था, जिसका नाम था रेजी ब्राउन, जिनके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ ऐसा बनाना था जहां पिक्चर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाया करे। लेकिन उनके पास बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें मिला इवन स्पाइगल। लेकिन रेजी के आइडिया को सच बनाने के लिए दोनों को एक कोडर की जरूरत थी, लेकिन दोनों को ही कोडिंग नहीं आती थी, जिसके बाद एंट्री होती है बॉबी मर्फी की, जिसके बाद ये तीनों मिलकर कई महीनों तक इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्नैपचैट का आइडिया रजी का था, उसके बाद भी उन्हें कंपनी से निकाल फेंका था, जैसे फेसबुक के केस में भी हुआ था। लेकिन ब्राउन ने उन दोनों पर केस कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें $157 मिलियन मिले थे। स्नैपचैट का पहला लोगो कुछ ऐसा दिखता था, जिसे आपने डोरेमोन में बहुत बार देखा होगा। जब भी कोई मौसम खराब होता है तो वो ऐसे ही व्हाइट भूत अपने विंडो पर इकट्ठा करते थे, जो बिल्कुल स्नैपचैट जैसा दिखता था, या फिर स्नैपचैट उसके जैसा दिखता था। एनीवे स्नैपचैट के फाउंडर्स का कहना था ये लोगो उन्होंने अपने कंप्यूटर पर बनाया गया था। नंबर 1, BMW। बहुत सारे लोगों को लगता है कि BMW का लोगो एक प्लेन प्रोपेलर का है, और ये कहना है BMW ग्रुप के फ्रेड जैकोब्स का, और उनका ये भी कहना है कि सच इससे थोड़ा सा अलग है। BMW का लोगो कई सालों पहले डिबेट का टॉपिक बना हुआ है, वो भी सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट की वजह से। BMW ने क्लियर भी नहीं किया, लेकिन इसकी रियल स्टोरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। BMW मतलब बेवेरियन मोटर वर्क्स की स्टार्टिंग 1930 में हुई थी, जिसके पहले कोई लोगो नहीं था, जिसकी वजह से BMW को पहचाना जाए, क्योंकि BMW का मेन बिजनेस पहले जर्मन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाना था और उनकी परफॉर्मेंस का था। उसके बाद 1917 में ही BMW को अपना पहला प्रॉपर लोगो मिलता है। लेकिन लोगो का रियल मीनिंग क्या था? इस लोगो में कंपनी का होम टाउन बेवेरिया के कलर देखने को मिलते हैं, व्हाइट और ब्लू। फिर 1929 में BMW के एक एड में एयरक्राफ्ट के प्रोपेलर पर BMW को लिखा गया था, और शायद यही रीजन था कि बहुत सारे लोग BMW के लोगो को एक प्लेन का प्रोपेलर समझ लेते हैं। जो व्हाइट कलर का है उन्हें प्लेन का प्रोपेलर माना जाता है, और ब्लू पार्ट स्काई को रिप्रेजेंट करता है, और अब भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं। जबकि BMW का वो एड उन्होंने अपने न्यू एयरक्राफ्ट इंजन की मार्केटिंग के लिए बनाया गया था। हालांकि BMW ने भी इस बात का पूरा फायदा उठाया था, लोगों में इस चीज को बेहस की वजह बने रहने दिया, जिससे उनकी फ्री मार्केटिंग हो रही थी। गाइस आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।